सर ब्रीफ अभी जवाब में मान ये अभी सबको मिल जाएगा ये आज पुराने चीतल के पीछे से प्रार्थना है जो खतौली का रहने वाला है और इसका एक साथी मौके से फरार हो गया है जो कि छपार थाना क्षेत्र का रहने वाला ये थाना खतौली पुलिस टीम द्वारा एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है और इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है जो कि थाना खतौली का रहने वाला है। इसके एक साथी मौके से फरार हो गया है जो छपार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं जिसमें राइफल हैं, बंदूक हैं और तमंचे हैं 315 बोर के, 12 बोर के, और इसके अलावा बड़ा भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का इनके पास से नाले और अन्य सवाल जो औजार हैं वो बरामद हुए हैं। ये शातिर अभियुक्त हैं और पहले भी गाजियाबाद से भी बंद हो चुके हैं और हमारे जनपद से भी दो बार पहले बंद हो चुके हैं। हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इनके खिलाफ इसे जेल भेजा जा रहा है और बहुत जल्दी इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर पूछताछ में बताया कब से कार्य कर रहा है? देखिए जैसा कि मैंने बताया ये तीन बार पहले भी बंद हो चुका है तो कार्य तो बहुत लंबे समय से कर रहा है और जब भी छूट कर आता है तो ये इसी तरह के कृत्य करते हैं। अब के ये कोशिश की जाएगी कि इनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई हो ताकि इन्हें जेल में रखा जा सके।